चलते हैं मध्य प्रदेश। यहां दो दिनों से आयकर विभाग छापे की कार्रवाई कर रहा था। किस पर? मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी समझे जाने वाले चार लोगों पर। प्रवीण कक्कड़, ये कमलनाथ के ओएसडी हैं, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। पहले मध्य प्रदेश पुलिस में थे, इंदौर में तैनात रहे। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के स्टाफ अफसर भी रहे। दूसरा नाम अश्विन शर्मा, आर्म्स डीलर है, अफसरों तक आसान पहुंच। कहा जाता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी ये सक्रिय रहते हैं। प्रवीण कक्कड़ से इनका जुड़ाव है। तीसरा नाम राजेंद्र मिगलानी, मुख्यमंत्री कमलनाथ के विश्वास पात्र और सलाहकार। बड़े लंबे अरसे से कमलनाथ के सारे निजी काम देखते हैं। आप कमलनाथ से मिलना चाहते हैं, आपको मिगलानी से संपर्क करना होगा। और चौथा नाम रतुल पुरी, कमलनाथ के भांजे, मीरा ग्रुप और मोजर बियर कंपनी से जुड़े हैं। ईडी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में भी इनसे पूछताछ कर रही है। दिन में एक और नाम उछला इस सब प्रकरण में, कांग्रेस नेता अहमद पटेल का। कैसे? क्योंकि कुछ जगह मीडिया में यह आया कि सीबीडीटी को एक हवाला रैकेट मिला है जिसका पैसा दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर तक पहुंचा। इस संबंध में एसएम मोइन नाम के एक शख्स से पूछताछ हुई। इस व्यक्ति का संबंध बताया गया अहमद पटेल से। एक तस्वीर भी सामने आई, लेकिन फिलहाल तस्वीर सच्ची है कि नहीं हम नहीं जानते, सुरक्षा एजेंसियां बताएंगी। पर हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बयान जारी करके कहा है। बयान में क्या कहा है कि छापे में यह मिला। क्या मिला? पैसा इकट्ठा करने का रिकॉर्ड, हाथ से लिखी डायरी, कंप्यूटर की फाइलें, एक्सेल शीट के रूप में नकदी का रिकॉर्ड, 230 करोड़ रुपए के बेहिसाब लेनदेन का रिकॉर्ड, 242 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली का ब्यौरा, कर चोरी करने वाली 80 कंपनियों का ब्यौरा, दिल्ली के पॉश इलाकों में कई बेनामी संपत्तियां। छापा इसलिए पड़ा क्योंकि आयकर विभाग को शक था कि यह सब हवाला के जरिए जुटाए पैसों का नतीजा था। दैनिक भास्कर अखबार के मुताबिक हवाला के तार भोपाल में अश्विन शर्मा और इंदौर में ललित छजलानी तक जा पहुंचे। फिर नाम जोड़ा प्रवीण कक्कड़ और आर के मिगलानी का। ये तो हुई एमपी की बात। दिल्ली लेवल का हंगामा इस बात से पैदा हुआ। आयकर विभाग के मुताबिक इस नकदी का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में एक बड़े राजनीतिक दल के दफ्तर तक भेजा गया। इसमें वो 20 करोड़ रुपए भी शामिल हैं जो हाल में हवाला के जरिए दिल्ली के तुगलक रोड पर रहने वाले एक सीनियर पदाधिकारी के घर से राजनीतिक दल के मुख्यालय तक पहुंचाए गए। सीबीडीटी ने किसी दल या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन खूब खुसर पुसर हुई क्योंकि 12 तुगलक लेन पर रहते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस इन बातों को निराधार बता रही है, साथ में कह रही है कि बदनाम करने की कार्रवाई है। पूछ रही है कि भाजपा और सीबीडीटी मिले हुए नहीं हैं, तो विजय वर्गीय को घंटों पहले छापे में सामने आए आंकड़े कैसे मिले? सीबीडीटी का बयान आया था कि 8 अप्रैल की रात 8 बजे 281 करोड़ रुपए तक के पैसे के बेहिसाब होने की खबर आई, लेकिन विजय वर्गीय ने सुबह 10:30 बजे ही ट्वीट कर दिया था। क्या ट्वीट किया? मध्य प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस पटरी से उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 281 करोड़ के माल का नुकसान हुआ। सियासत है, राजनीतिक दल एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन ये तथ्य सामने हैं और बताते हैं कि पैसों का लेन देन, पैसों का अपार इस्तेमाल किस तरह से हमारे और आपके राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।